संसद भवन में पीएम मोदी की बड़ी बैठक चल रही है। पीएम के साथ अमित शाह राजस्थान राजनाथ सिंह भी आपको बता दें कि मौजूद है, बैठक में ओम बिरला भी मौजूद है। थोड़ी देर में एनडीए के स्पीकर उम्मीदवार का नामांकन होने वाला है। एनडीए से ओम बिरला होंगे स्पीकर उम्मीदवार, ये सूत्र हमारे बता रहे हैं, यानी कि दोबारा स्पीकर बन सकते हैं ओम बिरला। स्पीकर पर बीजेपी ने सभी सहयोगी दलों से बातचीत कर ली है और स्पीकर को लेकर बीजेपी के फैसले पर एनडीए भी एकजुट नजर आ रहा है। विपक्ष उम्मीदवार नहीं देगा, आम सहमति से स्पीकर तय होगा, ये सूत्र के जरिए जानकारी मिल रही है। तो यानी लगभग लगभग ये माना जाए कि ओम बिरला पर आम सहमति बन गई है, ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर हो सकते हैं और विपक्ष उम्मीदवार नहीं उतारेगा, इस पर भी सहमति बनती हुई नजर आ रही है। राजनाथ सिंह, अमित शाह पीएम के साथ बैठक में मौजूद हैं। इस वक्त बैठक चल रही है जिसमें ओम बिरला भी मौजूद है। ओम बिरला के इस बैठक में मौजूद होने के संकेत साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, यानी कि एनडीए के जो स्पीकर उम्मीदवार हैं वो ओम बिरला होंगे। कुल मिलाकर जो सर्वसहमति की जानकारी मिल रही है उससे साफ हो गया है कि ओम बिरला स्पीकर हो सकते हैं लोकसभा के। सूत्रों के से मिली जानकारी के मुताबिक बड़ी खबर, अनूप गुप्ता हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं। अनूप, क्या यह मान लिया जाए कि ओम बिरला स्पीकर होंगे? पीएम मोदी की बैठक में ओम बिरला की मौजूदगी का क्या संकेत निकाला जाए? बिल्कुल, देखिए आप ये तय कह सकते हैं कि और इस वक्त की बड़ी खबर स्पीकर को लेकर बड़ी खबर 11:30 ओम बिरला नामांकन करेंगे। बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं, 11:30 ओम बिरला नामांकन दाखिल करेंगे, यानी कि आप मान लीजिए कि ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर होने जा रहे हैं। वो वक्त भी तय हो गया है, 11:30 नॉमिनेशन दाखिल करेंगे ओम बिरला लोकसभा स्पीकर के लिए। और अब ये माना जा रहा है कि सर्वसम्मति से स्पीकर के पद का चुनाव होगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं, 11:30 ओम बिरला नॉमिनेशन भरेंगे, यानी कुल मिलाकर ये मान लिया जाए कि ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर होने जा रहे हैं, दोबारा वो लोकसभा के स्पीकर होंगे। एक बार फिर अनूप का रुख करते, अनूप 11:30 नॉमिनेशन ओम बिरला का? अनूप आपको ऑडियो मिल रहा है? अनूप काम रुख करेंगे, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है ओम बिरला से जुड़ी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे, 11:30 ओम बिरला लोकसभा स्पीकर के लिए नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं। देखिए चर्चा लगातार ओम बिरला के नाम की चल रही थी, सुबह से छन-छन कर खबरें ओम बिरला को लेकर आ रही थी और एक बार फिर ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर होंगे। 11:30 वो वक्त भी सामने आ गया है, वो समय भी सामने आ गया है। 11:30 यानी कि सुबह के 11:30 नॉमिनेशन करेंगे ओम बिरला लोकसभा स्पीकर के लिए। 12:00 तक नॉमिनेशन का वक्त रखा गया था, नाम तय हो चुका है, वक्त तय हो चुका है स्पीकर के चुनाव के लिए। आपको बता दें कि ओम बिरला के नाम पर सहमति बन चुकी है, एनडीए के सहयोगियों की तरफ से भी ये आम सहमति बनी, विपक्ष के साथ भी माना जा रहा है कि सहमति बन गई है। सूत्र हमारी जानकारी दे रहे हैं कि सहमति विपक्ष की तरफ से भी बन गई है, यानी कि जो एक तनाव था वो खत्म हो गया है। अनूप हमारे संवाददाता जुड़ गए, सीधे अनूप पर उतर रहे। अनूप 11:30 नॉमिनेशन करेंगे ओम बिरला? बिल्कुल, देखिए तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है और ओम बिरला अब अगला लोकसभा अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। जिस तरीके से सरकार का गठन हुआ है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट मंत्रियों के चेहरे को भी नहीं बदला, उनके मंत्रालय को भी नहीं बदला है, ऐसे में सरकार और एनडीए ने एक बार फिर से ओम बिरला पर विश्वास जताया है। क्योंकि देखिए पिछले 5 सालों तक ओम बिरला ने लोकसभा सदन को बहुत अच्छे तरीके से चलाया है, तो ऐसे में चूंकि देखिए स्थितियां बदल गई है पिछले 10 सालों से, इस बार जो है वो विपक्ष बहुत ताकतवर है, तो ऐसे में किसी अनुभवी नेता की जरूरत थी जो लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर अपनी भूमिका अदा कर सके। और जाहिर सी बात है कि ओम बिरला का अनुभव रहा है एक अच्छे लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर, ऐसे में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और एनडीए ने उन पर भरोसा जताया है। देखिए चुनौती जरूर रहेगी ओम बिरला के पास, लेकिन इनका अनुभव जो है वो काम आएगा। जी,
क्या वो उपलब्धियां रही हैं ओम बिरला के नाम, ये समझने की आपकी कोशिश करेंगे। आखिरकार ओम बिरला पर कैसे सहमति बनी ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन नॉमिनेशन के दौरान कौन कौन से बड़े नेता मौजूद रह सकते हैं, सबसे पहले ये जानकारी दीजिए अनु। नहीं, सारे सारे बड़े नेता मौजूद रहेंगे। देखिए, ये सरकार 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 का बड़ा नॉमिनेशन, ऐसे में प्रधानमंत्री करके कैबिनेट के जो पद मंत्री वो मौजूद रहेंगे, और बताता के जो लोग वो मौजूद रहेंगे, और नामांकन होगा क्योंकि कहता कहीं ये प्रदर्शन का भी स्तर होता है। इस तरीके से विपक्ष कल तक ये तेवर दिखा रहा था वो भी अपने उम्मीदवार को उतारेंगे, तो ऐसे सत्ता पक्ष दिखाएगी कि ओम बिरला के नाम पर एनडीए एकजुट है और बहुत ही आसान तरीके से जो है वो एनडीए अपने उम्मीदवार को लोकसभा अध्यक्ष बनाने जा रही है। तो ये देखने वाली बात होगी। और सर्वसम्मति से ये फैसला हुआ है, यानी कि विपक्ष को भी साथ में ले लिया गया है, और अगर ले लिया गया है तो जाहिर तौर पर जो तनातनी कल तक थी वो अब आज सहमति में बदल गई, और ये हुआ कैसे जरा ये भी समझाइए दर्शकों को। देखिए, ये अभी इस पर इंतजार करना पड़ेगा कि इनके नाम घोषणा जो हुई है वो एनडीए में सहमति है लेकिन विपक्ष में सहमति है ऐसा नहीं है। विपक्ष के तेवर अभी भी कड़े हैं, हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक विपक्ष शायद उम्मीद